विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री से प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसके प्रारंभिक जानकारी लेते हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसका प्रोजेक्शंस क्या होता है। उसके बाद इनके 3D और फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में प्रोजेक्शन करेंगे, फिर 2D फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद इसके सिंपल जो क्लास में या एग्जाम में कॉपी में जिस तरह से 2D फॉर्म में हम ड्राइंग बनाते हैं उस पर बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मींस क्या होता है? लेंथ, सिर्फ लेंथ, और यह इसका जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में होता है। इसका इंक्लाइनेशन जो होता है ये भी दिया ही जाता है, और इसका प्रोजेक्शन का मतलब है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये वर्टिकल लाइन जो होगा प्रोजेक्शन के लिए जो उसका प्लेसिंग होगा, ये वर्टिकल लाइन होगा लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू BP होगा, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड BP होगा, लाइन इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू BP होगा, लाइन इंक्लाइन टू BP एंड पैरेलल टू HP होगा, या लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड BP। ये नॉर्मली 5 तरह से उस लाइन का पोजिशन होता है और उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम निकालते हैं, और इंक्लाइनेशन नॉर्मली दिया ही रहता है। पहला लाइन के लिए पहला पोजीशन ये है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू BP। कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हो और BP के पैरेलल हो, उस कंडीशन में उस लाइन का प्रोजेक्शन कैसे होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे होगा, इसका हम पहले 3D बनाएंगे फिर 2D में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रेफरेंस लाइन XY है, और इसमें ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल टू BP है। फ्रंट व्यू देखिए इसका ये आ गया, और इसका टॉप व्यू ये देखिए पॉइंट के रूप में, क्योंकि जब ऊपर से हम देखेंगे तो ये कैसा एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, और ये इसका पैरेलल फ्रंट व्यू इसके पैरेलल ही होगा। अब ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न में इसको हम कॉपी में कैसे करते हैं, हमने पहले भी बात किया है कि ये जो डिग्री है ये 90° क्लॉकवाइज टर्न हो जाता है। तो जब ये टर्न ऐसा होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कॉपी में हम रेफरेंस लाइन XY फ्रंट व्यू ऐसे और टॉप व्यू ऐसे दर्शा देंगे। ये ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न है। आइए अब दूसरा, ये लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू BP कैसे कंडीशन, पहले आइए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ये रेफरेंस लाइन XY। इसमें देखिए लाइन AB है जो क्या है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन भी है। फ्रंट व्यू अगर ऐसा आएगा तो कैसा आएगा, ये देखिए इसका फ्रंट व्यू आ गया, टॉप व्यू इसका कैसा आएगा, देखिए ये टॉप व्यू बन गया। अब इसका ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न में देखिए, ये जो फ्रंट व्यू बना है ये ऐसा दिखा दिया, टॉप व्यू बना ऐसा दिखा दिया, और इनको एक पतली लाइन से हम जोड़ देते हैं, इससे पता लगता है कि ये बराबर है और ये इसी का जो लाइन है उसी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। और देखिए यहाँ क्या, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों पैरेलल टू रेफरेंस लाइन XY के पैरेलल हैं, और ये दोनों का ट्रू लेंथ हो रहा है। तीसरा कंडीशन, ये लाइन इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू BP, एक कोई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है, 30° है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30° इंक्लाइंड है। इस केस में इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, ये देखिए
जितना हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन होगा उतना ही फ्रंट व्यू में इंक्लाइनेशन वर्टिकल प्लेन पे बनेगा फिगर, और टॉप व्यू इसका शॉर्ट एंड लेंथ हो जाएगा, लेंथ शॉर्ट हो जाएगा ये यहाँ से, और ये टॉप व्यू बना। अब इसका ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न देखिए कि ये फ्रंट व्यू इतना ही इंक्लाइंड होगा जितना कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से बताया गया है, और ये इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लेंथ शॉर्ट एंड लेंथ हो जाएगी, थोड़ी छोटी सी लेंथ हो जाएगी इसी, और ये टॉप व्यू होगा। फ्रंट व्यू इंक्लाइंड टू रेफरेंस लाइन एक्स वाई एंड टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। आइए चौथा केस देखते हैं। ये लाइन इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू एचपी। ये देखिए अब क्या है, ये लाइन इंक्लाइंड टू वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेन है, इससे लाइन इंक्लाइंड कितना है 5 डिग्री है। ठीक, अब इसका टॉप व्यू जो पड़ेगा जितना इंक्लाइनेशन है इतना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर उतना ही इंक्लाइंड का ये लाइन बनेगा, और इसका पैरेलल वर्टिकल प्लेन में अगर देखेंगे तो शॉर्ट एंड लाइन छोटी हो जाएगी इसी के जो प्रोजेक्ट करेंगे लाइन इसके बराबर। अब ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न में देखिए फ्रंट व्यू छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्ट करेंगे इस लाइन को तो छोटी लाइन प्राप्त होगी और एक्स वाई के पैरेलल होगी, और जितना इंक्लाइनेशन हमने वर्टिकल प्लेन से बोला है उतना ही एंगल का इंक्लाइनेशन से ये ट्रू लेंथ टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू इंक्लाइंड टू रेफरेंस लाइन एक्स वाई, फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। आइए केस पांचवा देखते हैं। ए लाइन इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड बीपी, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। ये वर्टिकल प्लेन वीपी एचपी, इसमें एक लाइन देखिए जो ए बी है और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल दोनों से, यानी ये आप यहां से भी एंगल है और यहां से भी इंक्लाइनेशन है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए फ्रंट व्यू करेंगे तो शॉर्ट एंड लेंथ ही आएगी, ये इंक्लाइनेशन वही रहेगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का है, सेम इसी तरह से जो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइनेशन है वो इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन जाएगा, और इसको मिक्स करके हम किस तरह से बनाते हैं ये हम आपको इसमें इसका कॉपी किया हमने और ये बताया। देखिए ये जो है कितना इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन से था वो दिखा दिया, कितना वर्टिकल प्लेन से था वो, यानी वर्टिकल प्लेन का इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन का इंक्लाइनेशन वर्टिकल प्लेन में दिखता है। अब ये इसको ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न में हमने वो बना दिया, ये इंक्लाइन अल्फा है, ये इंक्लाइनेशन बीटा है। आइए एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइनेशन जो होता है वह दोनों को दो अलग अलग दिखाते हैं, बट अगर ट्रू लेंथ उसका निकालना हो तो एक दिक्कत का काम है, क्योंकि वह लाइन थोड़ा वर्टिकल प्लेन और थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों से इंक्लाइनेशन से ट्रू लेंथ निकालना, तो उसका ट्रू लेंथ कैसे निकालते हैं और किस इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनके तरीके क्या हैं, इस पर आइए हम कुछ बात करते हैं। ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन मीन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी आर शो इन बिलो दैट दे आर द अपेरेंट इंक्लाइनेशन अल्फा एंड बीटा। समझ में, जो पिछले पेज में हमने देखा कि ये जो है फ्रंट व्यू का इंक्लाइनेशन है अल्फा इंक्लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से है, और ये बीटा मतलब ये वर्टिकल प्लेन से है, हमने यहाँ दिखा दिया। देखिए ना तो ए बी इसके पैरेलल है और ना ए डैश बी डैश इसके पैरेलल है, तो टू लेंथ और टू इंक्लाइनेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा दो इंक्लाइनेशन है, तो एक्चुअल में ये टू लेंथ क्या होगा उसका इंक्लाइनेशन रियल इंक्लाइनेशन निकालने के लिए हमको बात करते हैं। ये देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि जो था इसको बना लिया, अब इसको फोकस लाइन बोलते हैं,
ये जो देखिए इसका इंक्लाइनेशन है, ये टॉप व्यू का इंक्लाइनेशन है, इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, यानी जितना ये लेंथ है इसको कर्व के रूप में यहां से खींच करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं, मतलब रेफरेंस लाइन एक्स वाई के पैरेलल करते हैं। लेंथ इतनी ही रहेगी, इसी का आर्क लेकर ए से हम कट करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल बना, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम। प्रोजेक्ट करने के बाद इसको एक्सटेंड कर देंगे, और इसका जितना लेंथ फ्रंट व्यू का दिया रहेगा, जितना लेंथ ही दिया रहेगा फ्रंट व्यू का, उससे एक ए लोकल पॉइंट मिला देते हैं, और ये जो पॉइंट आएगा ये यहां से यहां जो लेंथ आएगी ये ट्रू लेंथ है, और ये जो इंक्लाइनेशन है, ये जो इंक्लाइनेशन एक्चुअल में जो ट्रू लेंथ का इंक्लाइनेशन है। अब देखिए कि ये ट्रू लेंथ है, यहां फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया था तो उसका ट्रू लेंथ निकालना, इंक्लाइनेशन इस तरह से निकाले थे। अब ट्रू लेंथ दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है, इसका इंक्लाइनेशन दिया हुआ, तो इससे इनका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे निकालते हैं, देखिए इसको क्या करते हैं। टॉप व्यू को हमने कर्व जितना दिया था उतना ही लेंथ का लेके कर्व काटे थे, जबकि ट्रू लेंथ में डायरेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं हम। ये देखिए इसको ये यहां से जितना आया, अब ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ लेके आर काटेंगे और ये जो पॉइंट आया इसको मिला देंगे, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। वैसे ही अब इसको ये जो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्ट करेंगे, ये जो आएगा पॉइंट, ये ट्रू लेंथ को यहां पर मिलाए, यहां से ये लेंथ प्रोजेक्ट किए और इसको यहां मिलाए, इससे जो पॉइंट मीट किया वो इसको बनाएंगे, ये टॉप व्यू हो गया। इस तरह से देखिए कि अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है तो ट्रू लेंथ हम निकाल सकते हैं, अगर ट्रू लेंथ दिया हुआ है तो हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकाल सकते हैं। ये इंक्लाइनेशन ये इस तरह इसके मेथड्स हैं। इसके आगे के वीडियो में ये जो हमने लाइन के पोजीशन के बारे में बात किया और इंक्लाइनेशन के बात किया, इन्हीं को लेकर फिर से रिवीजन करेंगे कि कहां पर क्या क्या होता है, इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं, ट्रू लेंथ किसको बोलते हैं, साथ ही इनके ऑर्थोग्राफिकल पैटर्न के रूप में हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।